फिर एक बहुत काबिल, बहुत कामयाब और बहुत मशहूर शख्सियत के नाम है और उनसे मुलाकात करने के लिए शायद आज आप लोगों से भी ज़्यादा उत्सुक और ज़्यादा एंथुजियास्टिक मैं हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है उनसे मिलके कि एक ज़िंदगी में इतने सारे काम इतनी कामयाबी के साथ कोई कैसे कर सकता है। तो आइए फ़ौरन ही दावत देता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ आशा पारेख साहिबा। आइए आशा। जो भी यहाँ आता है, जाहिर है आशा जी, हमको उनसे मिलके बेहद खुशी होती है और प्रोग्राम के लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। आज बेहद इज्जत की भी बात है कि आप तशरीफ़ लाएं। फैमिली में तो कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं था, नहीं। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहती हूँ? मैं स्टेज पर डांस किया करती थी, शौकिया। तो लेट बिमल रॉय ने मुझे स्टेज पर देखा और उन्होंने कहा कि फिल्मों में काम करोगी? मैंने कहा हाँ। मैं कुछ 8 साल की थी। अच्छा। आई डिड अ स्मॉल रोल इन बाप बेटी, बस एक पिक्चर करके देन अगेन आई वेंट बैक टू माई स्टडीज। आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, सो बट नहीं बन पाई। इससे पहले कि और बातें करें, मैं चाहता हूँ कि जिस ज़माने की बात आप कर रही थी या जिस दौर का जिक्र आप कर रही थी, उससे जुड़े हुए कुछ लोगों को मैं बुलाऊँ, उनसे बात करें और फिर सिलसिला चलाते हैं आगे बातों का। प्लीज़ आइए, तशरीफ़ लाइए। आशा जी, अमीना जी, जय साहब वगैरह का परिचय आप अगर कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा भाई है जिसका नाम जयेश है, ये विजय है और ये अमीना मेरी कजिन सिस्टर। जी 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 जी। हम लोग आशा जी से बातें कर रहे थे कि कैसे फिल्मों में, हालांकि उनके फैमिली में कोई और फिल्मों में था। आपके पिताजी क्या करते थे आशा जी? वो बिजनेस करते थे। अच्छा, हमारी एक दुकान थी सीमेंट की। सीमेंट की? जी, ये बिजनेस पीपल। तो जब आपने ये कहा होगा कि अब मैं फिल्मों में काम करना चाहती हूँ, तो वाज ही लाइक वेरी सरप्राइज, वाज ही टेकन अबैक? नो, ही वाजंट टेकन अबैक बिकॉज़ माय ग्रैंडफादर वाज अ फाइनेंसर फॉर फिल्म्स, सो इट वाजंट अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और अमीना जी वगैरह जो है, आप लोग, आशा जी को खैर आप तो बहुत ही छोटे हैं, अमीना जी भी इनको जानती, तो जब व्हेन आशा जी वाज ऑलरेडी अ स्टार और आप लोगों से मुलाकात रहती थी अमीना जी से, तो खास तौर से, so how was the experience, Amina ji? She was termed as a hera of the family. मुझे तो ऐसा कभी लगा नहीं, मतलब मुझे तो मेरी बहन ही लगी है। आज तक कभी ऐसा नहीं लगा है कि कोई स्टार है या सुपरस्टार है जिन्होंने इतने, शी इज अ नेशनल फिगर। ओह यस, शी इज। बट हमारे साथ जो है कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई कोई स्टार खड़ी है। हमारी बहन है, मतलब उन्होंने उस तरह से हमारा ख्याल रखा है हर चीज में। पर जय साहब, किसी किसी की बहन बहुत बड़ा हीरा भी होती है। हाँ, यस। लेकिन बहुत बड़ा हीरा भी कभी कभी छोटा होता है। तो हम सोचते हैं कि पहले वो छोटे बन के कुछ तस्वीरें देख लें, फिर बात करें। यहाँ देखते जब मैं तस्वीरें देख रहा था आशा जी की, बचपन की तस्वीरें, तो मुझे गुजराती का एक मुहावरा, थोड़ी बहुत गुजराती चूँकि मैं जानता भी हूँ, कि भाई जिसको हम कहते हैं कि भाई बहुत जबरी छोकरी है ना, ऐसा लग रहा है। आशा जी ऐसा था कि मतलब वर यू लाइक अ टॉमबॉय? टॉमबॉय थी मैं, बट शी इज अ वेरी करेजियस लेडी, आई कैन टेल यू। एक सब थोड़ा इस तरह की जिंदगी में जो हुआ था वाकया, कि रात को उनके चोर आ गया घर में, एंड शी फेस्ड द रॉबर ऑल अलोन ऑन हरसेल्फ। उसको लॉक कर दिया एक रूम के अंदर और फिर उसको जाके मतलब पुलिस के हवाले किया, एंड शी नेवर गॉट फ्राइटेंड।
अच्छा जी, यू वर दी ओनली चाइल्ड, इकलौती औलाद, तो क्या ऐसा कहीं होता था कि यू वर लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, लाइक बहुत लाल का लड्डू बच्चा? नहीं, माय मदर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, माय फादर लव्ड मी वेरी मच, ही वाज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट बट मदर वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद मी। आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए, मैं आशा जी के कुछ और मिलने वालों को बुलाना चाहता हूं, प्लीज तशरीफ। अच्छा जी, आप हमको पता है कि जेबी पिटेड स्कूल में जाती थी जी, लेकिन आप रहती थी यहाँ सबब में? हाँ, सेंट क्रूज में रहती और मुंबई के फोर्ट एरिया में जो है, जो दूसरा सिरा है शहर का, आप वहाँ जाती थी स्कूल जी। तो कोई उसकी इतनी दूर स्कूल जाने की क्या वजह थी? मम्मी चाहती थी कि मैं सबसे अच्छी स्कूल में पढ़ूँ। एंड यू यूज्ड टू कम्यूट बाय? यस, आई यूज्ड टू कम्यूट बाय बस, देन माय फ्रेंड्स स्टार्टेड सेइंग कि नहीं हम ट्रेन में जाएंगे, तो हमने कहा चलो तुम्हारे साथ ट्रेन में चलते हैं, दोस्ती है सब लोगों के साथ तो ट्रेन में जाएंगे। एक दिन हमको टीटी ने पकड़ लिया, हम बोर्ड पे बैठ के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, हम पकड़ के अंदर कर देंगे आप लोगों को, तब से भूल गए बोर्ड पे बैठ के जाने का। जिन दिनों में आप बोर्ड के बैठ के जाया करती थी, उन दिनों के आपके कुछ साथी हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, प्लीज तशरीफ लाइए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। आशा जी, पहले आपका तारुफ करा दें और फिर हम आपसे बातें करें। ये हमारी स्कूल फ्रेंड है शरीन, ये हमारी फ्रेंड है जिसके साथ मैं ट्रेन में ट्रैवल करती थी आरमाईटी बोर्ड पे बैठ के। हाँ, बोर्ड पे बैठ के। और ये है मिस दस्तूर जी, जिनके साथ मैं बड़ी हुई हूँ, मेरी नेबर थी जी 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 जी। ये मेरे सब मतलब छुपी छुपी बातें जो है ना, कारनामे सारे आप, हाँ ये सब जानती है। इनके कारनामों के जमाने की कुछ तस्वीरें देखते फिर आप लोगों से बातें करते, तस्वीरें यहाँ देखते। That's my school. पढ़ाई में बहुत मतलब ब्राइट बच्ची थी? नहीं, बहुत ज्यादा पढ़ाकू किताब नहीं, ज्यादा नहीं, मस्ती ज्यादा करती थी। बट डिड यू डू एनीथिंग आफ्टर स्कूल, डिड यू गो इनटू एनी काइंड ऑफ कॉलेज? नो, आई डिडंट गो टू कॉलेज, आई बिकेम अ स्टार। बट उसके बाद आपका स्कूल आना जाना रहा कभी? डिड यू गो टू? नहीं, आई यूज्ड टू बी इन टच विद शरीन अ लॉट, कांस्टेंटली इन कांटेक्ट। मेनी टाइम्स आई वुड गेट इन फ्रॉम कॉलेज एट दादर एंड आशा वुड बी इन द सेम बस कमिंग फ्रॉम अहेड, she would be fast asleep on the bag and when Santa Cruz came I had to wake her up, kids come now otherwise you will go to andheri, get off now. Lekin aapki mummy ko aisa nahi lagta tha ki bhai jawan bachchi hai school ja rahi hai akeli bus mein itni dur ja rahi hai, unko aisa ye fikr nahi hoti thi? No, there used to be instances when we used to have some fellow trying to follow us and all, and Asha was so smart, good looking young girl, she used to turn around when she knew her house was close by and threaten the guy to mera chappal lega tere ko. He was really cool. कई सीन मुझे लगता है इन्होंने अपनी फिल्मों में इनकॉर्पोरेट किए, कहीं डंडे से कहीं चप्पल से लोग ही पिटाई विटाई करने के सीन जो है। आई यूज्ड टू वंडर कि आशा जी को ये चीजें इतनी नेचुरली स्क्रीन पर कैसे आती हैं, लेकिन अब जाके मालूम हो रहा है कि इसकी ट्रेनिंग बहुत शुरुआत। अब आशा जी से बहुत सारी बातें करेंगे। वेलकम बैक, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है, मैं आशा जी से मुलाकात हो रही है। आशा जी, हमने जब पता लगाया आपके बारे में तो मालूम हुआ कि विजय भट्ट साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई, उसमें आपको एक रोल ऑफर हुआ था। मैं हीरोइन थी उस पिक्चर की, लेकिन उनको लगा कि मैं कुछ स्टार मटेरियल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आई थिंक वी शुड नॉट टेक यू। तो उस वक्त तो वाकई धक्का लगा था, लेकिन इमीडिएटली विद इन 8 डेज मिस्टर एस मुखर्जी साइन मी फॉर दिल दे के देखो। हम उस फिल्म की एक छोटी सी क्लिप देखते हैं, फिर उसकी बात करते हैं। क्लिप याद है? आशा, 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 आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, यू हैव बीन वंडरफुल टू मी राइट फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट पिक्चर दिल दे के देखो टू द लास्ट टाइम वी वर्क्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ इन बटवारा। यू आर वंडरफुल, यू आर वंडरफुल, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, यू आर अ ग्रेट अचीवर। Asha, I have great admiration for you to make a great name for yourself. You did some wonderful things. You built a hospital.
You made some serials, you produced, you directed. And the greatest thing in your life, you looked after the ones you loved, especially your parents. I have great respect for that. Loved you always. Bless you. What lovely songs you all have. बहुत अच्छे गाने. बहुत उस जमाने के गानों से ताल्लुक रखने वाले, आपकी फिल्मों से ताल्लुक रखने वाले और आपके साथ एक ताल्लुक रखने वाले एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं. मैं उनको दावत देता हूँ. प्लीज आइए. आदाब सर. आज तो हमारी बिल्कुल एकदम ईद हो रही है. वी आर मीटिंग टू मेजर स्टार्स. हम बात कर रहे थे आप लोगों की फिल्मों की और उस ज़माने की बहुत खूबसूरत म्यूज़िक की और अच्छी शायरी से जुड़े हुए गीतों का एक दौर था. एक और चीज़ जो हम लोग नोटिस करते हैं कि देयर वाज अ सर्टेन काइंड ऑफ इनोसेंस, कि एक मासूमियत होती थी उनके मेजर कैरेक्टर्स में. हाँ, ये होता था कि कुछ हीरोइंस ऐसी होती थी जो हंटर लेके पीट देती थी अपने हीरोज़ को. लेकिन आपको विश्वजीत जी इसका पता नहीं कि इनकी ट्रेनिंग जो है मुंबई की बसों में, तब बम्बई हुआ करता बसों से. हमने जब इनके साथ काम किया तो शी वॉज अ ग्रेट हीरोइन, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन बहुत नॉटी थी ये. हम लोग महाबलेश्वर में शूटिंग कर रहे थे एक फिल्म की, बिन बादल बरसात. एक दिन उन्होंने दावत दी और मतलब पूरे यूनिट को, सारे यूनिट मेंबर्स थे. उसके बाद नेक्स्ट डे शूटिंग बंद कर दिया इन्होंने, कोई शूटिंग में आ ही नहीं सके. रीज़न ये कि जब इन्होंने सब मतलब यूनिट वालों ने खाने के लिए सबको खाना दिया, इन्होंने क्या चुपके से सबको पर्गेटिव मिक्स कर दिया. किसी को पता ही नहीं था पर्गेटिव खाना सबके सबको. मैं अकेले नहीं थे, ही वाज आल्सो देयर, यू वर आल्सो देयर विद मी, यू टुगेदर. थोड़ी सी मतलब दोनों मिलके कर रहे थे, थोड़ी सी प्लानिंग में हम भी उसमें शामिल थे. और मतलब शूटिंग कैंसिल और उसका जो मजा लेना, वो तो हम लोगों ने मजा लिया. इस टाइप के मैं एक और साहिबा को बुलाना चाहता हूँ. आशा जी को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, उनकी बड़ी अजीज़ भी हैं और बहुत मज़े मज़े की बातें आशा जी के बारे में करती हैं. प्लीज़ आइए. आशा जी वॉज वेटिंग एंटायरली फॉर यू. तो प्लीज अब वाव के बाद शुरू हो जाओ. वाव के बाद शुरू हो जाओ. हाँ जी. तो हमारी दोस्ती बहुत बहुत सालों से, मोर देन 30 इयर्स. व्हाट 40 इयर्स? तो ये जो है बेसिकली बहुत मिस्चीवियस है. वैसे शी लुक्स वेरी सिंपल सिंपल, बट नहीं, बदमाश भी है. बदमाशी हम लोगों ने काफ़ी की. क्या हुआ था, कश्मीर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, ये एक और पिक्चर की शूटिंग कर रहे थे, भी श्योर ये मुझे याद है. मैं मेरे सनम फिल्म की शूटिंग कर रहा था और हाँ, बाकी यूनिट जब जब फूल खिले. हाँ, तो हम लोग जब जब फूल खिले की शूटिंग कर रहे थे. शशि कपूर साहब थे. अब शशि कपूर उस वक्त इतने बड़े हीरो नहीं थे, एंड शी वॉज द टॉप हीरोइन. तो रोज मेरे को शूटिंग में बोलता था, शम्मी कुछ करो ना, मेरे को आशा को एक झप्पी पाने. तुमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ी ऊंची उम्मीद है तुम्हारी. हाँ, शशि कपूर. अभी मैं तो इतना छोटा आर्टिस्ट हूँ, मेरे को तो कभी चांस नहीं मिलेगा, प्लीज कुछ करो. तो हम लोगों ने बैठ के एक कॉन्स्पिरेसी बनाई. मैंने कहा तुम लोग बुरका मंगवाओ और तुम लोग लेडीज बन जाओ, हम उसको मिलने के लिए रूम में जाएंगे और फिर तुम जाते वक्त अच्छा बाय बाय करके ऐसे बोलो. तो बोले हाँ यार बेस्ट. तो वो बीबी भल्ला हमारे साथ थे, तो वो भी तैयार हो गए. नहीं नहीं मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा. ओके ओके आइए. तो मैंने उसको फ़ोन किया रूम में, आशा शूटिंग से आ गई? बोले हाँ मैं रूम में ही हूँ. तो मैंने कहा कोई दो लेडीज़ तुमको मिलने आ रही. तो ओके आने दो, मैं रूम में ही हूँ, आ जाओ, तुम भी आ रही हो? मैंने कहा हाँ मैं भी आ रही हूँ. सो वी ऑल वेंट. ये लोग तो इतना वो पर्दा नशीन औरतें और एक शम्मी जी. हाँ, रूम में एंटर हुए, मैंने कहा ये मिसेज फलाना, ये मिसेज फलाना है. तो शी सेड नमस्ते, आइए बैठिए ना, बैठिए बैठिए. इतने में एक फ़ोन आया. तो ऐसा था, बैल्कनी थी फिर रूम था. तो शी सेड एक्सक्यूज मी एंड शी वेंट टू द बेडरूम था वहाँ.
तो वहाँ गई थी, मैंने कहा देखो दो बेड लगे हुए हैं, उसमें से एक ही रास्ता है निकलने का, उसके सामने हम चल के खड़े हो जाते हैं, जैसे वो निकलेगी तुम पकड़ लिया। समझो है, ये फोन रखा है इसने और ये निकली तो शशि से खड़ा, मैं नहीं लोग जा रहे हैं, तो इसको शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है, शशि से हाँ 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 हाँ, और शशि ने कुछ ऐसा करा चाहिए नीचे से निकल गए, हाँ ये क्या है, तो शशि ने बुरका खोला, ये तो मैं हूँ, वेरी बैड, ऐसे नहीं करना चाहिए, वन मिनट विशु को हम बुला कर उसको बना दे, उसके बाद मुझे बुलाया इन्होंने, आशा जी ने फोन करके बुलाया, कॉल हिम एंड शी सेड विशु यहाँ कोई लेडीज तुमको मिलने आ रही है, विल यू प्लीज कम, तो बेचारे बहुत भोले हैं, तो ही तो सेम सीन रिपीट हुआ, इतने में इनके अंकल भी आए हुए थे, वो आके भल्ला के बाजू में बैठ गए कुर्सी पे, तो फिर वही सिस्टम चल रहा था, शी वॉज आस्किंग, he was telling her, she was asking him questions. अभी थोड़ी देर के बाद में शशि और शशि आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ, मैं विशु बेचारा थोड़ा और हटा, फिर शशि और फिर ऐसे करते करते बिल्कुल मैं नीचे गिरा, घबरा गए कि आधे खिड़की के बाहर शशि उसके ऊपर, और जो है he was shouting, क्या कर रहे हो ये लोग, क्या क्या, वेरी बैड, बहुत बुरा, जिंदगी भर इनके अंकल और विश्वजीत साहब ने फिर किसी बुरका नशी औरत पर भरोसा नहीं किया होगा, ये बुरके में बहुत खतरा होता है। एक उसी वक्त की एक बहुत खूबसूरत इनकी फिल्म बनी थी, बहुत खूबसूरत, जिसमें बेहद अच्छे गाने थे, एक साहब उसके बारे में कुछ कहना भी चाहते हैं, उस फिल्म की एक क्लिप भी देखते हैं यहाँ से। हाय आशा, सॉरी आई कुड नॉट बी विद यू, यू रिमेंबर आवर मीटिंग इन द बस स्टॉप, लेटर आई प्लेस्ड माय होप आशा ऑन यू एंड स्टार्टेड माय कंपनी प्रमोद फिल्म्स, we made Ziddi and Love Interview together and made it super hits, 100%, you remember. As an actress, you are well known, but you excel as a human being, that's what I want to say. Main punarjanam mein believe karta hun, and next janam mein bhi main director banunga, aur tumhe kahin se bhi dhoond nikal lunga. That's my promise. Sayonara. बट विश्वजीत साहब, आपका मतलब आपने बहुत कामयाब फिल्में की आशा जी के साथ, कैसा तजुर्बा रहा आशा जी के साथ काम? आशा जी बुलाती थी भाई पीएल राज को, इसको भाई रिहर्सल चलो, रिहर्सल करना चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए, हम लोगों का गाना है, इतनी दूर प्रोड्यूसर गए हैं कश्मीर इधर उधर, तो ये जो एक लगन काम के लिए, वो आशा जी में जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट, बहुत हंसी मजाक, दैट इज पास्ट टाइम, यू नो, वो तो उनके नेचर है, शी वॉज वेरी नॉटी है, टॉम बॉयश। आशा जी के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें, वेलकम बैक, आशा पारेख जी से बात हो रही है, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है कि आज के एपिसोड में। आशा जी, आपकी फिल्में तो खैर बहुत कामयाब रही माशाल्लाह, यू हैव हैड सो मेनी सक्सेसफुल फिल्म्स टू योर क्रेडिट, बट धीरे 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 ऐसा होने लगा कि आशा पारेख वॉज नॉट जस्ट अ फिल्म स्टार, आशा पारेख वॉज सेवरल थिंग्स बिसाइड्स अ फिल्म स्टार। मिसाल के तौर पे, हाउ डिड यू डिसाइड कि आप जो है सिने आर्टिस्ट, टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन में आपने बहुत बाकमाल काम किया, हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दैट? अमजद भाई ने, उन्होंने कहा कि आप इस एसोसिएशन में जो डिस्प्यूट कमिटी है उसमें आप आइए, मैंने कहा नहीं भैया ये सब चीज़ों में मैं नहीं आना चाहती हूँ, उन्हें कहा मैं तो नहीं सुनने वाला, तुम्हें आना ही पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली आई जॉइन दी सिंटा एंड डिस्प्यूट कमिटी में मैं वहाँ मेंबर बनी, फिर बहुत सारे डिस्प्यूट्स आते थे, आर्टिस्टों के डिस्प्यूट्स, प्रोड्यूसर्स के डिस्प्यूट्स, उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि दे सेड कि आप यू स्टैंड फॉर इलेक्शंस और आप प्रेसिडेंट बन जाइए, तो 6 साल तक मैं प्रेसिडेंट रही सिंटा की। बहुत कामयाबी से रही इस काम में, इनके एक साथी हैं वो इनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, प्लीज आइए। आदाब रामोहन जी, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ आए सर। सर नमस्ते, वेरी वेरी नाइस टू सी यू सर। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, मेरे साथ काम करते थे 6 साल तक। आशा जी से आपका ये जो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा से जो इन्वॉल्वमेंट रहा वो कब से है रामोहन? जब अमजद साहब हमारे प्रेसिडेंट बने
तो ये ख्याल आया कि साहब इसमें और स्टार्स को लाया जाए, तो मेरे मुँह से नाम इन्हीं का निकला कि आदमी भाई अगर हो सके तो आशा जी को कॉप्ट कर लीजिए और डिस्प्यूट कमेटी में उनको कन्वेनर बना दीजिए। और मज़े की बात, जो मुझे पूरी उम्मीद थी कि एक्टर जिसका केस होता था, जिसके खिलाफ होता था प्रोड्यूसर, दोनों सामने बैठते थे, ये उन्हें समझाती थी और वो ट्रांस में होकर इन्हें देखते रहते थे कि कौन बोल रहा है, आशा बोल रही है, ये तो बस वो करते करते प्रोड्यूसर मान जाता था, एक्टर मान जाता था और सब बात तय हो जाती थी। ये इनकी खूबी थी। फिर एक मौका आया कि साहब ये हमारी चेयरपर्सन बन गई, मैं सेक्रेटरी हो गया। जब भी मैंने कहा कि साहब एक फलां आदमी बहुत ज़रूरतमंद है, बुरी हालत में है, उसको मिलना है, उसके पास जाना है, तो मैं जाके देख के आता हूँ, बोले नहीं राम मोहन जी मैं भी साथ जाऊँगी। महीम में सड़े हुए घर में चाल में जाकर एक मरीज़ को देखना, उसकी ज़रूरियात को महसूस करना, उसका दर्द महसूस करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जो इनका मुरीद हुआ इन्हीं वजूहात से, और सदगुना मरीद इसलिए हो गया कि इस शख्सियत ने मेरे एक डूबते हुए बच्चे को बचाया। मुझे कह लेने दीजिए, शायद उसका घर कभी ना बसता, शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाता मेरे बच्चे का और मेरी बहू का अगर ये ना होती। मैं इसका बहुत इनके लिए आभारी हूँ, आभार मानता रहा। इसमें आशा जी, ये बनावट वाली राम मोहन जी ने बहुत सही बात कही, यू आर लाइक अ क्रूसेडर टाइप ऑफ वुमन। तो आप ये ताकत जो है आपको और ये जज्बा कि भाई ये चीज़ करनी है तो फिर करनी है चाहे जो कुछ हो जाए, ये कहाँ से आपको मिला है? मुझे लगता है मेरी माँ की प्रेरणा थी। माई मदर वॉज लाइक शी यूज़ टू से जो चीज़ करनी है वो करनी है, पहुँच जाओ वहाँ तक। तो माँ बहुत मतलब सहारा था मेरा। आशा जी उस टाइप की औरत हैं कि भाई मुसीबत की जड़ कहाँ है, आइए सबसे पहले मैं वहीं कूद जाती हूँ। ये कूदने का जो ये सिलसिला है, एक महामुसीबत की जड़ में भी इनको ले गया था। मैं पहले चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ तशरीफ़ ले आएँ, फिर उस महामुसीबत का हम जिक्र भी करें। राम मोहन जी आप तशरीफ़ रखें, प्लीज़ आइए। Hello. How are you? Mrs. Mamta Kanade, Mrs. Sanjeevani Kutti, हमारी regional officer थी जब मैं सेंसर बोर्ड में थी और ये पैनल मेंबर थी हमारी। सेंसर बोर्ड में जाना एक बहुत बड़े सरदर्द को जो है दावत देना है। You didn't think कि भाई इस भीड़ के छत्ते में कौन जाए भाई? सुषमा स्वराज जी ने जब मुझे कहा कि ये सेंसर बोर्ड का मतलब होदा है, अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, लेट अस ट्राई। देर इज़ नॉट बीन एनी लेडी सेंसर बोर्ड पे, कोई औरत थी नहीं अब तक। मैंने कहा चलो ये भी करके देखते हैं, लेकिन वाकई लोहे के चने चबाने पड़े थे। अगर मिसेज कुट्टी नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती, क्योंकि इन्होंने बहुत बहुत कुछ मुझे सिखाया। आई लर्न्ड अ लॉट फ्रॉम हर। एक तो ये कि सेंसर बोर्ड का जहाँ तक मैं जानता हूँ किस्सा ये है कि उसमें से कोई खुश लौटे, ये बड़ी मुश्किल से होता है। सही बात है, सेंसर बोर्ड में काम करना बड़ी मुश्किल बात है, कोई खुश नहीं हो पाता है। या तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि इसको क्यों काट दिया, या फिर कभी पब्लिक कहती कि इसको क्यों नहीं काटा, या मतलब दोनों तरफ से कहने वाले लोग होते हैं, तो काटो तो भी मुश्किल, ना काटो तो भी मुश्किल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में, और चूँकि आशा जी खुद फिल्म इंडस्ट्री में से थी, तो उन पर एक एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमेशा लोगों को एक फेवर करें या उनको हेल्प करें। तो हेल्प जहाँ तक हो सकता था वो हमेशा करती थी, लेकिन जहाँ गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ ज़रूरी हो तो वो भी उतना ही बिल्कुल फर्मली वो बताती थी उनको। और उनका लोगों से डील करने का तरीका बहुत मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा किसी को समझाने वाली जो एक टैलेंट है उनमें, वो बिल्कुल ही मुझे लगा कि ऐसी चीज़ अगर हम सीख पाएँ उनसे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो कई बार मैंने देखा है कि किसी कट को इफ़ेक्ट करते समय अगर फिल्म मेकर कहे कि इसमें टेक्निकल अड़चन आ रही है, कि हम इसको नहीं कर पाते हैं, तो इसमें फ्रेम्स नहीं बैठ रहे हैं, कुछ टेक्निकल मामला ऐसा हो, तो खुद स्टीन बैक पर बैठ के उनको मैंने देखा है कि कई बार उन्होंने वो कट कैसे काटा जाए ये उनको बताया। तो इस तरह की जो कभी कभी हम लोगों को, जो हम लोग नॉन टेक्निकल लोग हैं, तो हमको कभी कभी बताते थे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस वजह से नहीं हो सकता, लेकिन मैडम को वो इस तरह से नहीं कह सकते थे। अगर वो सही नहीं होता तो वो इस तरह से नहीं कह सकते थे। बट आशा जी, यू डू बिलीव कि सेंसरशिप अभी फिल्मों में होनी चाहिए? सेंसरशिप नहीं होगी तो प्रोड्यूसर्स बहुत तकलीफ में आएंगे,
ये तो मैं आपको जरूर कहूँगी, क्योंकि क्या होता है, देखिए आज मुझे कुछ ठीक नहीं लगता फिल्म में और मैं केस कर दूँ, तो देर इज़ अ सेंसर बोर्ड विच इज़ देयर इन बिटवीन एक प्रोड्यूसर और एक आम जनता के साथ, उसके बीच में एक सेंसर बोर्ड है। अगर सेंसर बोर्ड नहीं होगा तो आम जनता केस करते रहेंगे, प्रोड्यूसर्स बस लड़ते रहेंगे और यही होगा। वेलकम बैक, वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है। इससे पिछले सेगमेंट में मिसेस कुट्टी जो हमारे साथ शरीक थी वो बतला रही थी कि किस तरह आशा जी एक बहुत मुश्किल काम को, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारियों को संभालने वाले काम को किस तरह अंजाम देती थी। और आशा जी से मैं पूछना चाहता था, आशा जी आपकी फिल्में मैं तुलसी तेरे आंगन की और इस तरह की फिल्में जब आपने करना शुरू की, कटी पतंग आपने की और जिसमें यू वर एन अवार्ड विनर एंड सेवरल अवार्ड्स वर गिवन टू यू, उसके बाद यू डेलिबरेटली डिसाइडेड, हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि जब आपने ऐसा फैसला किया कि अब मैं काम अपना कम करना चाहती हूँ, जबकि काम आपके पास बहुत आ रहा था। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहा करती थी तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा काम कम करना शुरू कर दिया था। कुछ इसका इशारा शमी जी ने अपने मैसेज में भी किया था। जी। एक मियाँ बीवी हैं जो खुद बहुत काबिल हैं और आपकी काबिलियत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको दावत देता हूँ, प्लीज़ आए। वो आदाब लीना जी, आदाब परेश साहब, कैसी हैं आप? बहुत सालों के बाद मिल रहे। लीना जी आप आशा जी को कब से जानती हैं? बहुत पहले आशा जी और हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, वहाँ आई झांसी की रानी करूँ और डायलॉग्स भी बोल रही है और डांस भी कर रही है, मैंने बोला भाई ये तो कुछ कमाल की है। उसके बाद मुझे चांस मिला चौला देवी डांस बैले के लिए सेट्स एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस करने के, तो ये इनके हिसाब से कुछ बनी मैं जी। परे साहब आपका तजुर्बा आशा जी के साथ कैसा रहा है? मेरा ये हुआ कि लीना की शादी मेरे साथ हुई जी, तो ये इनके फ्रेंड या वो साथ में काम करते थे, तो इन्होंने आके पहले बोला कि मैं आपकी साली हूँ। उसके बाद हम लोग शो में साथ में रहते थे, तो शो में साथ में रहने से फिर बाद में मेरा ट्रैकिंग और हाइकिंग ज़्यादा चलता जी था। हाँ, मैं जानता हूँ। तो जब भी कहीं शो बाहर होते थे तो ये बोलती थी नज़दीक में देखने लायक चीज़ कौन सी है, तो मैं ढूंढ के लाता था। तो हम लोग गए वेरावल, तो वेरावल से इन्होंने बताया कि चलो हम लोग द्वारका जाएंगे, मंदिर में गए तो मंदिर में यहाँ मूर्ति है तो सब लोग को यहाँ देखना चाहिए, मतलब पूजा हो रही है, पूरा टोटल क्राउड घूम के इनको देख रही है। अभी पूछा क्यों, तो कह बोले ये तो अभी दिखती है, वो तो हम रोज देखते हैं। प्लीज तशिया के मैं एक इनकी जिंदगी का एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आया जब आपने रुख किया टेलीविजन की तरफ जी। ये ख्याल ये सोच कैसे हुई? मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहती थी लेकिन कुछ बन नहीं रहा था, और परेश भाई एक दिन मिल गए, बोले क्या बैठे बैठे कुछ नहीं कर रही हो, बस एक आध फिल्म कर ली और बस घर में बैठी रहती हो, चलो चलो तुम कुछ टेलीविजन पे करो। तो हमने एक गुजराती सीरियल शुरू किया जिसका नाम था ज्योति। ज्योति जी, तो वो फिर बहुत हिट हो गया, तो मुझे फिर ऐसे हिम्मत भी हो गई कि हाँ मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया। एक साहिबा जो काम करती हैं आपसे बात करना चाहती हैं, प्लीज़ आइए। How are you, Renuka? How nice well, to see you. Tell me, how was it working with Asha ji? It was fabulous. जब पहली बार मैंने इनके प्रोडक्शन में काम किया तो दाल में काला नाम की सीरियल में किया, तो I had met Asha ji at that time. I was like amazed. और दूसरी बार जब मिले कोरा कागज के सिलसिले में तो मेरी खुशकिस्मती थी क्योंकि किसी और एक्ट्रेस को पूछा गया था लेकिन उन्होंने, उनके पास लकीली डेट्स नहीं थे इसलिए मुझे ये मौका मिला इनके साथ काम करने का। एंड द फर्स्ट टाइम शी मेट मी, उन्होंने एक बहुत अजीब सा सवाल मुझसे किया, उन्होंने कहा तुम मेरी सीरियल छोड़ के तो नहीं भागोगी? तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? और तीन साल कोरा कागज चली, वर्क फॉर 3 इयर्स जी। लेकिन कभी आपको ऐसा लग रहा था कि भाई एज अ फीमेल डायरेक्टर शी हैज एन एडवांटेज दैट अ मेल डायरेक्टर डज नॉट हैव?
यस, ये मेरा तजुर्बा इनके साथ रहा, हालांकि दूसरी फीमेल डायरेक्टर्स के साथ ऐसा तजुर्बा नहीं था मेरा, इसलिए मैं थोड़ी सी डरी सी थी. लेकिन आशा जी खुद इतनी बड़ी स्टार हैं, मतलब हमारे कोरा कागज़ के सेट पर सबसे बड़ी स्टार ये थी. ओह माय गॉड. लेकिन फिर भी उनकी पर्सनैलिटी की ये खासियत है कि उन्होंने हम सबको वो सम्मान दिया जो किसी भी स्टार को मिलता है. सो इट प्रूव्स कि आप अगर व्यक्ति के रूप में किसी और को सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं और उनसे काम बहुत मतलब शिद्दत के साथ कर रहे हैं तो आपकी रिजल्ट उतनी ही अच्छी होगी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल. बट आई मस्ट से दिस कि व्हेन शी वाज शूटिंग फॉर कोरा कागज इतनी प्रेशर रहती थी उनके ऊपर, एक तो टेंशन सेंसर बोर्ड की काफ़ी रही एंड येट उतना ही वो मेहनत से हमारी सेट पे काम करती थी, फॉरगेटिंग ऑल दोज ट्रबल्स यू नो. और यू नो आई मीन हर लेवल ऑफ एनर्जी फॉर अस वाज डिफिकल्ट टू मैच. शी इज क्वाइट एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुमन. आई एम गेटिंग मोर एंड मोर ऑफ लाइक अ फैन फॉलोइंग टुवर्ड्स आशा. ओह माय गॉड. हम लौटते हैं, बहुत सी बातें करते हैं आशा जी से, लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. प्लीज एक ब्रेक लीजिए. मुलाकात हो रही है आशा पारेख साहिबा से और जितनी मुलाकात आगे बढ़ती जा रही है मैं दरअसल चकरा जाता हूँ कि एक ज़िंदगी में आदमी इतने सारे काम इतनी काबिलियत और इतनी खूबी के साथ कैसे कर पाता है. इट रियली पजल्स मी. लेकिन दो तीन मरतबा आपने देखा हो एपिसोड में जिक्र आया कि एक हॉस्पिटल का काम भी इन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है. आशा जी उसका ख्याल आपको कैसे आया था? जैसे मैंने पहले बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और मैं डॉक्टर बन नहीं पाई, तो किसी तरह से एक हॉस्पिटल से जुड़ना मुझे अच्छा लगा क्योंकि मेरी मदर जो थी वो इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई थी. तो फिर वहाँ हॉस्पिटल में मैंने जाना शुरू कर दिया, कुछ डॉक्टरों से कह कर के, अच्छा ज़रा दिखाइए तो सही ऑपरेशन कैसे होता है. तो ऑपरेशन थिएटर में भी चली जाती थी, एक दो ऑपरेशन भी देखे. तो उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल के साथ जुड़े ही रहे. आपके इंटरेस्ट से जुड़े हुए आपके कुछ दो इंटरेस्टिंग लोग हैं, मैं उनको बुलाता हूँ. प्लीज आइए. दिस इज डॉक्टर सुकेतु. हाउ आर यू सर? एंड दिस इज डॉक्टर रेखा हाटोलकर, बट शी इज माय सिस्टर. आप आशा जी को कब से जानते हैं डॉक्टर? Oh, I know her from a very, very young age because my father was a surgeon in the same hospital and her mother, Sudha Ben, was a social worker in Santa Cruz and she was very closely associated with this hospital. And that's how Asha Ben must have got the compassion from her to do something for the poor and the sufferings of the people. Rekha ji, aap kab se janti hain? Main unko 78 se janti hoon. जब उनकी मम्मी एडमिट थी नानावटी हॉस्पिटल के आईसीयू में जी, मैं उनको देखा करती थी. इतनी दुखी हो रही है और हमारी चाहिए थी फिल्म स्टार, इतनी बड़ी फिल्म स्टार दुखी नहीं देख सकती थी मैं. लेकिन मैं जाऊं उनको सांत्वना के दो शब्द कहूं, ये भी हिम्मत नहीं थी मेरी. फिर क्या करूँ तो मुझे एक मौका मिल गया. हमारे ही यूनिट के डॉक्टर को उनकी मम्मी को देखने के लिए बुलाया गया. फिर मैं जाने लगी. फिर धीरे धीरे करके हम नज़दीक आने लगे. मैं उस हॉस्पिटल की एक क्लिप आपको दिखलाना चाहता हूँ, फिर बात करते हैं. प्लीज मतलब सोच के हैरानी भी होती है कि आप एक दिन में या एक वक्त में इतने सारे काम कैसे कर पाती हैं? जितना वक्त मिलता है उतना वक्त में जो कुछ भी मैं कर पाती हूँ मैं करती रहती हूँ. जो कुछ? नहीं नहीं, बहुत कुछ. जो कुछ की कैटेगरी जरा? बहुत ज्यादा कुछ. बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. यू नो इनफैक्ट व्हेनेवर वी नीड हर शी इज ऑलवेज देयर एंड वी हैव गॉन फॉर फंड रेजिंग in places where people would not venture. Bhuleshwar ki galiyon mein, corporate offices, leaving a celebrity status behind, she has come with us
wherever we went. One day we started at 10 in the morning and ended 8. And in one day we collected 18 lakh rupees. That's our commitment to the hospital. Absolutely. मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपका जो ये नाम है ना जीना इसी का नाम है इनके ऊपर बहुत ही सार्थक जाता है क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी जी है अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा आई थिंक वी ऑल विल एग्री विथ यू कम्प्लीटली प्लीज़ आप तशरीफ़ रखिए मैं चाहता हूँ कुछ और लोगों को बुलाऊँ जो आपकी डांस के टैलेंट से जुड़ा हुआ है डांस का शौक आपने बताया कि आपको शुरू ही से बचपन से था और बाकायदगी से आपने डांस सीखा है जो फिल्मों में दिखाई भी देता एक साहब हैं जो उस आपके उस फन से आपकी उस फन की वजह आपसे वाकिफ हैं मैं उनको बुलाना चाहता हूं आइए प्लीज मुल्ला साहब आइए नमस्कार हो शुक्र मुल्ला साहब हाउ आर यू बहुत खुशी हुई आपसे खुद डांस करते हैं मेरे ग्रुप में डांस करते थे ये और आशा जी को आप कब से जानते हो 69 से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया है और इनके साथ बहुत ही घुमाया है मेरे को ईस्ट अफ्रीका पहला टूर था मेरा इनके साथ फिर स्टेट्स गए ऑस्ट्रेलिया गए हांगकांग गए और डांस का एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ प्लीज पर्दे पर ओह माय गॉड वैजयंती माला जी अच्छा जी ये तजुर्बा कैसा रहा है जहाँ आप अपना डांस ट्रूप लेकर दुनिया भर में इतनी कामयाबी के साथ परफॉर्मेंसेस देती रही ये तजुर्बा कैसा रहा है बहुत ही अच्छा मतलब स्टेज पे डांस करना तो मुझे ऐसे लगता था पता नहीं मैं किस तरह से डांस करती हूँ बस मग्न हो जाती थी जब डांस करती थी अनफॉर्चुनेटली अब डांस नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव गॉट सम बैक प्रॉब्लम तो डांस नहीं कर पा रही हूँ लेकिन देखिए आप स्टेज से वाकिफ हैं आप एक्टिंग से तो बखूबी वाकिफ हैं आप स्टेज पे काम क्यों नहीं करती नहीं अब नहीं होता स्टेज पे मैंने ड्रामा किया है बट अब नहीं अब डर लगता है आशा जी से बेहद अच्छी मुलाकात रही बहुत बातें करने को जी चाह रहा है रेखा जी ने एक बात कही जो जाते जाते मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये आपके कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो और किसी पे कितना फिट होता हो हम जानते नहीं आशा जी पे बिल्कुल सही फिट होता है जीना वाकई इसी का नाम है अच्छा जी इससे बजाय इसके कि मैं इसको अपनी किसी बात से वाइंड अप करूं मैं चाहता हूं कि आपके डांस ट्रूप का एक हल्का सा परफॉर्मेंस हो जाए और हम उसी पे वाइंड अप करें डांस ट्रूप का परफॉर्मेंस होगा अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी बहुत मज़ेदार शख्सियत के साथ अब देखते हैं डांस